मैं बीइंग अ कस्टमर एचबीएल ट्रांजैक्शंस करवाने का एक्सपीरियंस है, काफ़ी बार हुआ, आना जाना भी हुआ डिफरेंट सिटीज़ की डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, और कह लें कि असरे हाजिर में जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें अगर सर फहरिस्त सबसे पहले नंबर पे देखा जाए तो एचपीएल है, और पुराना भी है, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट के काफ़ी अकाउंट्स और लेन देन, और गवर्नमेंट भी अपने दीगर मामला जो है वो इसी बैंक के थ्रू ज़्यादा करवाती है। तो इससे यही शो होता है कि एक अच्छा नेटवर्क है, अच्छा बैंक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है कि जैसे अब ये पुराना हो गया बैंक है, कुछ इसके जो एम्प्लाइज़ हैं, इसका जो अमला है, कहीं कहीं तो नाइस डीलिंग है, बहुत अच्छी, और कहीं कहीं इस बारे में मैंने ये फील किया है कि इसका जो अमला है एचबीएल का
वो लाइक नेशनल बैंक के अमले से अगर कंपेयर करें तो कहीं कहीं पूरा उतरता है। अब नेशनल बैंक क्या है, नेशनल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, तो उसमें जो उसका अमला है वो कॉपरेटिव नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह SBL में भी जहाँ कहीं कोई पुराना एम्प्लॉय बैठा है, कोई बाबा टाइप बैठा है, तो वो यही समझता है कि जी बस मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं जिस तरह डील करूँ उनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो इस पे ज़रा अगर SBL अपना फोकस करे, अपना दीगर बैंकों की तरह नाइस डीलिंग करवाई जाए अपने एम्प्लॉयज से, ठीक है, अपने अमला से, ताकि कस्टमर जो है उसका एतमाद बढ़े, उसको कोई प्रॉब्लम हो उसका हल किया जाए, ना कि उसको चक्कर पे चक्कर दिए जाएं, अगली राह दिखाई जाए, ठीक है। तो ये ज़रा इसका ड्रॉबैक है, इसको कंट्रोल किया जाए, अपने अमले की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जाए, डीलिंग बेहतर की जाए, और एक अच्छा कॉपरेटिव माहौल होना चाहिए। तो ये अगर इसमें ऐड हो जाए, हर जगह तो नहीं है लेकिन कई जगह पे मैंने ये इसको देखा है, तो इसको अगर कंट्रोल किया जाए, इस पे कंट्रोल लाया जाए, इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए, तो HBL की परफॉर्मेंस में इंशाल्लाह मजीद इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन अकरम फ्रॉम पत्तो की, और मेरा ये रिव्यू HBL बैंक के रिलेटेड है। मैंने पहला अपना अकाउंट वो BOP में ओपन करवाया और उसमें कुछ दरपेश मसाइल की वजह से वो क्लोज़ करना पड़ा। वो दरपेश मसाइल ये कि मैंने जब भी कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन पेमेंट्स वगैरह पे करनी होती तो वो क्रेडिट कार्ड मशीन HBL की होती हैं और वो दूसरे बैंक के ATMs को एक्सेप्ट नहीं करती, उसमें कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई इश्यूज़ वो जो सामने आ जाता, तो जिस वजह से मुझे अपना HBL बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ा और ATM भी डेफिनेटली HBL का ही निकलवाना पड़ा। तो एक बड़ी वजह ये भी थी कि मैंने अपना अकाउंट HBL में ओपन करवाया और ये ऑब्ज़र्व किया कि ये दूसरे बैंकों की निस्बत ये अच्छा है। और इसकी ऑनलाइन सर्विसेज की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं बनिस्बत दूसरे बैंकों की। और स्टाफ की बात करूँ तो HBL बैंक जो कि पत्तों की में है तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड जो कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें मसले ये दरपेश आ रहे हैं कि इसके जो मंथ के स्टार्टिंग डेज़ हैं उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है और इसकी ATM मशीन्स की सर्विसेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, तो उसमें कुछ बेहतरी ला सकें तो इट्स गुड फॉर पब्लिक। तो बस मेरी यही रिव्यूज़ हैं।